वालेकुम मेरी वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत शुक्रिया मैंने सोचा आज मैं आपको अपनी वर्कशॉप का एक छोटा सा दिखाऊं मुझे आ, मैं आ, ये बुटीक का काम कपड़ों की डिज़ाइनिंग का काम नाइन्टी सिक्स से कर रही हूँ शुरू मैंने ये शुरू किया इससे पहले पाँच साल तक मैंने फ़र्नीचर का, का काम किया और बड़ी पीक पे उसको मैंने छोड़ा उसमें थोड़े से मसाइल थे कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड को जाना पड़ता था वर्कशॉप्स में और आ, मैं ब्राइड्स का रूम ज़्यादा करती थी तो फिर लोगों के घरों में जाना और करना और उनको साथ किसी ना किसी को मेरे भेजना पड़ता था तो फिर बड़ी मेरे लिए मुश्किल हो जाती थी खैर मैं जब इस काम में आई तो आ, मुझे इसका कुछ ज़्यादा नहीं पता था लेकिन शुरू में बीजीस के साथ मैंने काम किया नजीब ने मेरी बहुत हेल्प की आ, मुझे मेरी ड्राइंग्स तो मैं कर लेती थी लेकिन सलमा सितारा अड्डे कोरा दबका ये सब मैंने उनसे सीखा वो मेरी टीचर और आज भी मैं जहाँ कहीं आ, मुझे कुछ मुश्किल होती है वो हमेशा मेरी हेल्प करती हैं और मुझे बताती हैं इस दौरान में बहुत काम हमने किया पाकिस्तान में पहली दफ़ा दुपट्टों के ऊपर और मेहंदी माइयों के जोड़ों के ऊपर घड़े पखियाँ और ये सारा कुछ बना के बेचा और बहुत रिपीट बनाई उसकी फिर उसके बाद मैंने मिनेचर बनाई एक औरगजा के दुपट्टे और जिसको ब्रिटिश एम्बेसी में वो गया और उन, उनको पेश किया गया वो और हमज़ा शहबाज की शरवानी इस तरह इस तरह बहुत सारे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह और आज पच्चीस छब्बीस चब, छब्बीसताईस साल हो गए हैं तो अब तो थोड़ा मुश्किल हो गया काम लाजवंती के साथ काम किया एज अ डिज़ाइनर मेरा पहला आ, फैशन शो हसन शहर यार का भी वो दूसरा या तीसरा फ़ैशन शो था लाहौर पीसी में वो हुआ और आ, उसने मेरे साथ काम किया माशाल्लाह तो अब तो बहुत लोग इस काम में आ गए लेकिन काम इतना आसान नहीं है मेरी तो ख्वाहिश है कि सब लोग कुछ ना कुछ करें आप कुछ करें आप पॉजिटिव रहेंगे आप आपको अच्छा लगेगा ख़ुद से अगर आपके घर में आसानियां हैं और हमारी हमारे हम पिछली जनरेशन के लिए थोड़ी मुश्किल थी उनको तब वॉशिंग मशीन्स नहीं थे तब ग्राइंडर्स और ये सारी चीज़ें नहीं थी बच्चों की भी तादाद ज़्यादा होती थी तो उनके लिए घरों से निकलना काम करना थोड़ा मुश्किल था लेकिन अब तो मुझे लगता है कि इत, इतना सहूलतें हो गई हैं कि काम करना और जिस तरह के हालात हैं उसमें आप अपने साथ अपने घर वालों का अगर कोई भी काम करके आप उनका साथ दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और कंधा भी चाहिए और मैं तो यूँ कहूँगी कि इससे आपको कमाई करने वाले इस तरह कमाते हैं मेहनत करते हैं आपको उनकी कदर आएगी कि कमाना कितना मुश्किल है पैसे बनाना कितना मुश्किल है और अल्लाह ताला सबके रज में आसानियाँ करें अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत करें और बरकतें दें रिस्क में आप अल्लाह पाक की लगाई हुई हदूद के अंदर रह के अगर कुछ करते हैं तो बहुत बरकत और रहमत होएगी बस आप कर सकते हैं मतलब मैंने भी किया है कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसकी हमारे दीन में और हमें उसकी इजाज़त नहीं है करें हर काम के लिए उसके अच्छे पहलू भी हैं और बुरे भी हैं आप, आप जैसे चाहें आप उसको कर सकते हैं और आप चाहें तो खुल खुला के बुरे तरीके से कर लें और चाहें तो आप उसको अपने पर्दे में और उसमें रह के कर लें अधूद के अंदर रह के कर लें लेकिन कुछ ना कुछ करते रहें ताकि फैमिली की डर्टी पॉलिटिक्स से महफूज रह सकें वरना तो खाली खालिज़ैन शैतान की माज का ये मेरी आ, मेरा पेज है जी आप इसको भी देखें फेसबुक पे और वीडियो को शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू